जय श्री राम दोस्तों, स्मॉल गेन्स चैनल में आपका स्वागत है। यह चैनल शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली एक्टिविटीज से संबंधित है। इसमें मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजीज, ऑप्शंस की या फ्यूचर्स की बताऊंगा और उसके वीडियोस बना के मैं अपलोड करते जाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले आप एक डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड या इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड पर्सन नहीं हूँ, ये मेरे खुद के ऑब्जर्वेशंस है। इस वीडियो में जो भी क्या है, ये सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पस से आपके सीखने के लिए है। इसे आप यूज़ करके कोई अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आपके मुनाफे और नुकसान के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। अभी बैंक निफ्टी 32,334 पे और 32,438 पे फ्यूचर्स चल रहा है, मतलब 100 पॉइंट का प्रीमियम के साथ में। और अभी अभी ये एक आध घंटे से उछाल आया हुआ है मार्केट में। अभी हम देखते हैं कि हमने बैंक निफ्टी स्ट्रेटेजी में दो ऑप्शन बनाए थे। एक बैंक निफ्टी 14 जनवरी का, उसमें हमने 28 जनवरी एक्सपायरी के कॉल और पुट लिए थे। उसमें अभी हमें 181 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है फिलहाल। और हमने जो पोजीशन बनाई थी वो फरवरी एक्सपायरी में बनाई थी, क्योंकि यहाँ पे हमें क्रेडिट स्प्रेड मिल रहा। हम देखते हैं उस ट्रेड को एनालाइज करते हैं। इस वक्त चार्ट में देखेंगे तो हमें वीवैप के काफ़ी ऊपर प्राइस है। ये 5 मिनट का चार्ट है, हम इसे आइए देखते हैं आवरली चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। RSI भी आवरली में भी 60 के ऊपर जा चुका है, वॉल्यूम अच्छा बन रहा है और वीवैप के काफ़ी ऊपर प्राइस है। हम देखते हैं हाइकेनैशी कैंडल की क्या पोजिशन। हाइकेनैशी में फिर से हमें अप ट्रेंड दिया है। यहाँ से आशा है कि मार्केट काफ़ी ऊपर चला जाएगा। इसे नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं और हमारा लोड हुआ क्या देखते हैं। ये हमारा ट्रेड है, 32,433 फ्यूचर की प्राइस चल रही है। हमारा ब्रेक इवन अभी भी 200 पॉइंट दूर है, यहाँ से तकरीबन 200 भी। हमारा प्रेजेंट लॉस है 1,807 रुपये। शुक्रवार और सोमवार दो दिन में मूवमेंट नहीं आने की वजह से हमें प्रीमियम लॉस हुआ है। और अभी डेल्टा देखते हैं कि डेल्टा, पोजिशनल डेल्टा हमारा 30 के ऊपर गया है। अभी कल वो 15-16 के करीब नीचे आया था। हमने जो प्रोटेक्शन लिया अभी भी वो 63 रुपये चल रहा है। और हमने जो कॉल लिया था 33,000 का, वो अभी 1,101 रुपये चल रहा हूँ मैं, उसमें 5,333 रुपये प्रॉफिट है। और 34,000 का कॉल जो हमने बेचा था वो 709 रुपये चल रहा, हमने उसमें करीबन 4,076 रुपये का लॉस हो रहा है। और जो 31,000 का पुट हमने बेचा था वो अभी भी 761 रुपये चल रहा है, उसमें 20 रुपये का हमें मुनाफा हो रहा है। और जो हमने कॉल बेचा था उसमें हमें 3,000 रुपये का लॉस हो रहा है। पुट है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लॉस हो रहा है। हमें फ़िलहाल कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, लेकिन यहाँ से अगर और 300-400 की मूवमेंट आती है, 300-400 पॉइंट की मूवमेंट आती है, तो हमने जो प्रोटेक्शन लिया था, हम इसे 14 जनवरी कर देते हैं। हमने जो 31,500 का प्रोटेक्शन लिया था 186 रुपीज समथिंग में, अभी 66 रुपये चल रहा है। तो हमें यहाँ से 400-500 पॉइंट की मूवमेंट आने के बाद में, करीबन 33,000 के आसपास बैंक निफ्टी जाने के बाद में, हम इस प्रोटेक्शन को 500 पॉइंट ऊपर लेके आएंगे या 600 पॉइंट ऊपर लेके आएंगे। उस समय ये जो 66 रुपये की प्राइस है वो करीबन 35 से 40 रुपये के बीच में रहेंगी। और हमारा जो 32,000 का पुट है वो अभी 161 रुपये चल रहा है, हमें 60 या 70 रुपये में, ज़्यादा से ज़्यादा 80 रुपये में हमें बाय करना है और उसी समय ये 31,500 का 30 से 40 रुपए में बेच देना है। ये देखिए मेरे एक अकाउंट में एक लॉट के ट्रेडिंग पे 1,406 रुपए लॉस दिखा रहा है, तो पेशेंस से उसको होल्ड करना है।
यहाँ से 400-500 रुपये की मूवमेंट आने के पॉइंट की मूवमेंट बैंक निफ्टी में आने के बाद में आपने ये एडजस्टमेंट करना है। और आगे अपडेट रेगुलर मिलने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मैंने ये इस स्ट्रैटेजी में निफ्टी में भी मैंने अपडेट किया है, उसमें हमें करीबन 2500-3000 का प्रॉफिट हो रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।